हमीरपुर जिला के गजो गांव में सरकारी भूमि की अलॉटमेंट न करने के लिए ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त हमीरपुर से गुहार लगाई है। प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त देव श्वेता बनी को ज्ञापन सौंपकर उक्त भूमि पर महिला मंडल भवन या फिर खेल मैदान बनाने की मांग की है। प्रतिनिधि मंडल ने गुहार लगाई है कि भूमि खसरा नंबर 253 टीका गजो से किसी भी व्यक्ति को भूमि अलॉट नहीं की जाए। उन्होंने उपायुक्त को बताया कि 5 मरले भूमि रोशनी देवी को अलॉट हो रही है, लेकिन गांव के सभी लोगों की मांग है कि इस जगह पर महिला मंडल भवन बनाया जाए या फिर खेल मैदान बनाया जाए। प्रतिनिधि मंडल ने ईश्वरदास, प्रीतम चंद, प्यारे चंद, सुरेंद्र, कमल, नीलम शर्मा, धर्म सिंह इत्यादि मौजूद रहे। हम मेरे साथ जो हैं आज वो गुजो के निवासी हैं सारे, गुजो गांव के, और ग्राम पंचायत गाड़ियम से मैं संतोष राणा हूँ, प्रधान ग्राम पंचायत गाड़ियम, जिस साहब से मिलने आए हैं। क्योंकि गुजो गांव में जो है वो सामलात जो भूमि है वो बहुत कम है, लगभग 2 करनाल के आसपास, और उसमें से जो 5 करनाल रोशनी देवी जो शेरधार से है के नाम से जो है वो गवर्नमेंट 5 मरले अलॉटमेंट करने जा रही है। तो इस प्रकार से गांव के पास जो है वो 7 लाख भूमि नहीं बचेगी, और कल को जो गांववासी जो हैं वो खेल का मैदान युवाओं के लिए या महिला मंडल या कोई किसान भवन कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जो असमर्थ हो जाएंगे। इसलिए हम जिलाधीश महोदय से प्रार्थना करने आए हैं कि इस अलॉटमेंट को रोक दिया जाए और गांववासियों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए। अगर नहीं रुकती है तो फिर हम पंचायत लेवल के पंचायत स्तर पर जो है वो पूरे इकट्ठे होकर के इसका विरोध करेंगे और अपना जिलाधीश महोदय को भी ज्ञापन देंगे, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे, और जो आगे की कार्रवाई उसको करेंगे।